नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित प्रताप सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सेल यूट्यूब चैनल RS प्रॉपर्टीज इंडिया पर। जैसा कि आप जानते हैं, यहां हम प्रत्येक प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीदने का और सेल कराने का काम बखूबी करते हैं। तो आपके पास संपूर्ण भारत में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर सीधे RS प्रॉपर्टी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द सेल करा सकते हैं। हमारे पास संपूर्ण भारत की सबसे सस्ती ज़मीनें हैं जो कि किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है। पूर्व भारत में अगर आप सस्ती ज़मीन चाहते हैं, तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ज़मीनें हैं जो आपके हाथ से निकल सकती हैं। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सस्ती ज़मीनों को लेकर काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स RS प्रॉपर्टीज़ लगातार बनाता आ रहा है। और जैसा कि देखा जाए, आज हमने एक और प्रॉपर्टी आपके लिए अरेंज की है जिसका एक नया रिकॉर्ड हमने बनाया है, क्योंकि महाराष्ट्र से अभी तक की देखा जाए तो सबसे बेहतर ज़मीन जिस पर प्रॉपर खेती हो रही है, ऐसी ज़मीन आपको आसानी से देखा जाए तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जो कि हमने भी की है, तब जाकर ये ज़मीन मिल पाई है। सबसे बेहतर बात यह है कि छोटा टुकड़ा है, बहुत बड़ा टुकड़ा आपके लिए नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र से की थी कि सर महाराष्ट्र से ज़मीन अरेंज करिए जो टुकड़े 2 से 5 एकड़ के आसपास के हों। तो ये टुकड़ा जो है वो कुल 5 एकड़ का है और कीमत है मात्र 3 लाख रुपये प्रति एकड़। प्रॉपर खेती हो रही है ज़मीन पर और जो कीमत है वो मात्र 3 लाख रुपये प्रति 1 एकड़ की ज़मीन हमने महाराष्ट्र से आपके लिए अरेंज की है। अगर हम बात कर लें इस प्रॉपर्टी के गांव की, मिट्टी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बेटर मिट्टी है। देखिए, इतनी बेहतर ज़मीनें आसानी से नहीं मिलती हैं जिन पर पहले से खेती हो रही हो। नॉर्मली जो ज़मीनें मिलती हैं वो देखा जाए तो तैयार नहीं होती हैं, इस रेट वाली ज़मीनें पड़ती ज़मीनें जैसे बोलते हैं, जिस पर कभी खेती नहीं हुई है, सालों से पड़ी हुई ज़मीनें रहती हैं, वो आपको मिलती हैं 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए प्रति 1 एकड़ में महाराष्ट्र में। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी बेटर ज़मीन है। सबसे पहले इसका गांव आप नोट कर सकते हैं, ग्राम चमला। चमला गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ज़मीन की जो तहसील है वो लगती है आपकी अष्टी। अष्टी तहसील से कुल 8 किलोमीटर की दूरी पर ये प्रॉपर्टी है जिसका डिस्ट्रिक्ट लगता है आपका बरधा। बरधा से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर नागपुर की बात की जाए तो नियर बाई आपको नागपुर भी मिल जाता है। प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके रोड की कनेक्टिविटी की, तो देखिए 15 फिट का रोड प्रॉपर्टी से प्रॉपर लगा हुआ है जो फ़िलहाल कच्चा है। अगर हम पक्के रोड की बात करें तो डामर रोड जो रहता है वो 300 मीटर के डिस्टेंस पर है और हाईवे का जो डिस्टेंस है वो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको हाईवे मिल जाता है। हाईवे के बाद अगर बात करें ज़मीन की, तो देखिए ज़मीन एक पर्सन के नाम पर है, खरीदने में परेशानियां नहीं होंगी, जो कि कैटेगरी जनरल से हैं। तो जनरल कैटेगरी से जो पर्सन हैं उनकी प्रॉपर्टी है ये, और इसको खरीदने में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना है। अगर फ्रंट को समझा जाए तो लगभग 50 मीटर का फ्रंट मिल जाता है आपको इस प्रॉपर्टी पर। फसलों में सभी प्रकार की फसलें जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं इन ज़मीनों पर, चाहे आप प्लांटेशन ही क्यों ना करना चाहें तो आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अंगूर है आपका, केले की खेती है, ऐसी ढेर सी ढेरों प्रकार की खेतियां हैं जो आप इन ज़मीनों पर बेहद आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई फसल करना चाहते हैं तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन टोटली उपजाऊ और बहुत ही बेहतर है। बात करें यहाँ मार्केट की, तो देखिए अस्टी मार्केट 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल ही जाता है। और अगर हम पानी की बात करें तो देखिए यहाँ जो वाटर लेवल है वो आपका लगभग 20 से 30 फिट का आपको वाटर लेवल मिल जाता है। नियर बाई नहरी सुविधाएं हैं इसीलिए वाटर लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बात करें ज़मीन को बेचने का कारण, तो आप समझते ही हैं कि पैसों की ज़रूरत होती है, तभी किसान अपनी ज़मीनों को बेचना भी चाहता है, अन्यथा किसान अपनी ज़मीनें क्यों सेल करेगा। देखिए उसके बाद अगर हम आबादी को भी समझें तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको आबादी से इसका मिलेगा प्रॉपर्टी का। और इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो बस स्टैंड की जो सुविधाएं हैं वो आपकी सारवड़ी में है और देखा जाए तो ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है NH6 से।
बस स्टैंड की बात करें तो नागपुर है आपका, अमरावती है आपका और वर्धा है आपका। अमरावती 56 किलोमीटर है, वर्धा 70 है और नागपुर का डिस्टेंस लगभग 90 के आसपास है। हिंदू आबादी प्रतिशत को यहाँ समझा जाए तो 90% 90% आबादी हिंदू आबादी रहेगी यहाँ पर। और अगर जाति में बात करें तो देखिए जैसे कि हम बताना चाहें, जनरल OBC SC ST सभी जाति वर्ग विशेष के व्यक्ति निवास करते हैं, जिसमें कौली, तेली, कुंभी और मराठा लोग शामिल हैं। तो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बेटर है, बेहद ही कम कीमतों पर है और इससे कम कीमत आपको आसानी से नहीं मिलेगी। और नॉर्मली जो ज़मीनें मिलती भी हैं, अगर देखा जाए तो 3-4 लाख रुपए एकड़ वाली ज़मीनें जो मिलती भी हैं तो उनके टुकड़े 300 से 400 एकड़ के होते हैं, तब जाकर आपको इतना कम रेट मिल पाता है। लेकिन काफ़ी सारी मेहनत और किसान से बैठकर बेटर तरीके से बात करने के बाद आपका जो रेट है वो 3 लाख रुपए पर सेट हुआ है। हो सकता है कि कुछ गुंजाइश में और है जो पैसे कम हो सकते हैं, बाकी का प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हो महाराष्ट्र में वर्धा में प्रॉपर्टी लेने के लिए, क्योंकि टुकड़ा देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टुकड़ा है, 5 एकड़ का है और कीमत मात्र 3 लाख रुपये प्रति 1 एकड़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टीज़ पर तो कांटेक्ट कर सकते हैं सीधे RS प्रॉपर्टीज़ से, क्योंकि सबसे सस्ती ज़मीनें सिर्फ और सिर्फ RS प्रॉपर्टीज़ के पास हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करिए अपने सभी सोशल साइट्स पर जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप हमेशा से शेयर करते आए हैं, हमारे साथ ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। बेहद जल्द हम एक और बेहतर ज़मीन लेकर आने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए।